हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का दिन है दिवाली के एक दिन पहले का, और आज हम करने वाले हैं क्लीनिंग। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने रूम से, नीचे वाले रूम से अपने। तो सबसे पहले कपड़ों को क्लीनिंग कर रही हूँ जो बहुत बिखरे हुए हैं। तो मैंने अपने जो एथनिक वियर थे, लाइक साड़ियाँ, इन सबको मैंने जो कैजुअल थी वो बाहर वाली कबर्ड में लगा दी हैं। बाकी जो पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं वो मैंने सिलेक्ट करके अपनी अलमीरा में ही लगा के रखती हैं अच्छे से। सारी पार्टी वेयर साड़ियाँ जो हैं मैंने लगा दी हैं बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा मैसी मैसी सा हो गया था, वो मैंने क्लीनिंग करी है उसकी। और जो आप ये नीचे ढेर जैसा देख रहे हैं कि मेरे ब्लाउज़ हैं बहुत तरीके के, तो बहुत सारे हैं। और अभी इस प्रेगनेंसी के बाद से एक भी हो नहीं रहा था, उनको मैं अरेंज कर रही हूँ। और ये देखिए कितना मैसी सा हो गया मेरा रूम। तो उनको क्लीन करते हैं, उसके बाद चलते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ 4 तरीके के पराठे, तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है मेरी पेटीकोट, इन सबको मैंने अलग अलग बॉक्सेस में, इस तरीके के कपड़े के बैग है मेरे पास, मैं उसमें अरेंज करके रख रही हूँ अलग अलग, तो ढूंढने में आसान होता है। तो क्लीनिंग के बाद हम चलते हैं पराठे बनाने के लिए। उसके पहले मैं दिखा दूँ, ये मेरा रूम है नीचे वाला, जिसमें पीछे वॉलपेपर है, इसको थोड़ा सा मैंने डेकोर किया था। तो आज जो हम पराठे बनाने हैं, मूली के पराठे हैं, जिसके लिए मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया है और इसका पानी निचोड़ कर कपड़े में निकाल लिया है। और ये आलू जो मैंने बॉईल करके रखी हैं उनको छील लिया है। साथ में ये है गोभी, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया। साथ में प्याज के पराठे बनाने हैं, तो प्याज, अदरक, हरी मिर्च सबको काटा है। अभी शुरू करते हैं तैयारी। और ये हरी धनिया, साथ में लिया है मैंने पराठे बनाने के लिए आटा, जिसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और तेल डालेंगे, जिससे कि पराठे काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। और इन पराठों के साथ हम खाने वाले हैं हरी धनिया टमाटर की चटनी, जिसके लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और धनिया और नमक लिया है। बस इतने को हम पीसने वाले हैं और ये ट्रेडिशनल तरीके से पीसेंगे। तो चलिए पराठों की फिलिंग तैयार करते हैं। शुरुआत करते हैं हम प्याज से। तो ये लिया मैंने छोटा वाला चॉपर, जिसमें मैं चॉप करने वाली हूँ प्याज को। अब मैं चारों को एक साथ, जो चीज़ें एक साथ पड़ती हैं वो डाल रही हूँ। मूली में डाल रही हूँ हरी मिर्च, जो मैंने काट के रखी थी, और प्याज में भी हरी मिर्च आएगी। उसके बाद डाल रही हूँ आलू में हरी मिर्च और गोभी में हरी मिर्च, और थोड़ी थोड़ी सी हम लाल मिर्च भी इसमें डालेंगे बाद में।
तो जो पहले सेम चीजें पढ़ रही हूँ मैं एक साथ ही डाल रही हूँ। उसके बाद जाएगा साथ में हरा धनिया, जो हरा धनिया बहुत ही फ्लेवर बना देता है किसी भी चीज़ को। तो मैं हरा धनिया सारे पराठों में डालने वाली हूँ। उसके बाद मैंने जो अदरक लिए चॉप करी थी वो डाल दी है गोभी और प्याज के पराठों में। पहले हम तैयार कर रहे हैं गोभी के पराठे की फिलिंग। तो ये है जीरा, इसमें हरी मिर्च, धनिया और जो अदरक हम पहले डाल चुके हैं। ये है धनिया पाउडर। उसके बाद मैं डाल ली उसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा डालूंगी। अगर आप कम तीखा खाते हो तो हरी मिर्च से भी काम चल सकता है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। नमक आप ध्यान रखिए सबसे लास्ट में डालिए जब आपको बनाना हो। तो मैं नमक अभी नहीं डाल रही हूँ, नमक बाद में डालूंगी। इसको अच्छे से मिला दीजिए और आपकी फिलिंग हो गई है तैयार। उसके बाद हम तैयार कर रहे हैं मूली के पराठे की फिलिंग, जिसमें मैंने मूली, ग्रीन में हरी मिर्च और धनिया डाल लिया। इसके बाद हमने डाला धनिया पाउडर, फिर इसमें डाल ली मैं थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आपको मिर्च थोड़ी सी कम पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैं डाल ली उसमें जीरा, थोड़ी सी डालूंगी अजवाइन, उसको थोड़ा सा मसल के डाल देंगे और जिससे अच्छा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मूली के पराठों में। और ये है थोड़ा सा आमचूर, ये मैं डाल रही हूँ। और ये है थोड़ा सा गरम मसाला। और उसके बाद इस फिलिंग को हम अच्छे से मिला देंगे और उसको एक साइड में रेडी करके रख देंगे। नमक हमने बताया अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से मूली जो है पानी छोड़ देगी तो पराठे अच्छे से नहीं बनेंगे। जब हम बनाने लगेंगे तुरंत हम इसमें नमक डालेंगे और पराठे बनाना शुरू कर देंगे। ये है प्याज के पराठे। मैंने इसके पहले भी आपको एक बार दिखाए प्याज के पराठे, वो मैं आटे में मिला के बनाती हूँ। आज वाले हम फिल करके बना रहे हैं। तो इसमें जीरा, हरी मिर्च, धनिया और उसमें डाला है अदरक और ये धनिया पाउडर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ उसमें। इसमें भी लाल मिर्च डालूंगी मैं थोड़ी सी। अगेन इसमें मैंने नमक मिक्स नहीं किया है। जब मैं पराठे बनाना शुरू करूंगी तभी इसमें नमक मिलाऊंगी। मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि आलू को छोड़ के आप किसी में भी नमक मिक्स मत करिएगा, अदरवाइज वो पानी छोड़ देंगे और आपके पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। ये आलू के पराठे के लिए, तो आलू है, हरी मिर्च, धनिया और इसमें थोड़ा सा मैं भुना मसाला डालूंगी, जीरा डालूंगी और थोड़ी सी अजवाइन मसल के डालूंगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अजवाइन फायदेमंद भी होती है। बस मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी।
ये हो गई हमारी सारी फिलिंग्स तैयार और मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। तो मैं सबसे पहले जो है जो पराठे बनाऊंगी मूली के बना रही थी, उसमें नमक मिला लिया मैंने। अब हम बना रहे हैं मूली के पराठे, और जैसे जैसे हम पराठे बनाते जाएंगे वैसे वैसे फिलिंग में नमक मिला लेंगे। ये देखिए पराठे काफ़ी सही बन रहे, थोड़ा बहुत 21-20 हो सकता है तो हल्का हल्का फटेगा, अदरवाइज पराठे बहुत अच्छे फूले फूले बनेंगे और काफ़ी टेस्टी बनेंगे। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। ये है मेरा आज का व्लॉग। आज का व्लॉग मेरा आपको कैसे लगा, रेसिपीज कैसे लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आप दिवाली के बारे में देखेंगे, दिवाली व्लॉग होगा नेक्स्ट जो होगा मेरा व्लॉग। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।